बलरामपुर से एक बड़ी खबर है। सड़क किनारे डबरी में स्कॉर्पियो वाहन घुस गया, 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग कुल मिलाकर इस पर सवार थे। बूढ़ा बगीचा में मुख्य मार्ग के ऊपर हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलरामपुर से सड़क किनारे डबरी में स्कॉर्पियो वाहन घुस गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, कुल 7 लोग इस पर सवार थे। बूढ़ा बगीचा के मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, कुल 7 लोग वाहन पर सवार थे। सड़क किनारे उतरी और डबरी में जा घुसी। बूढ़ा बगीचा मुख्य मार्ग के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। तो हादसे की खबर है, 6 लोगों की जान जाने की खबर है। बूढ़ा बगीचा मुख्य मार्ग के ऊपर हादसा हुआ है, बलरामपुर में सड़क हादसा हुआ है। और अरुण सोनी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण, बताएं हादसे को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये कुसमी राजपुर मुख्य मार्ग पर ये बूढ़ा बगीचा के पास हादसा हुआ, जिसमें कि स्कॉर्पियो वाहन जो कुसमी से अंबिकापुर की तरफ जा रही थी और काफी तेज रफ्तार में थी, यह सड़क किनारे एक डबरी था उसमें जाकर घुस गई और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे बाद उसको बाहर निकाला गया। जो स्कॉर्पियो वाहन उसमें देखा गया कि उसमें कुल 6 लोग अंदर सवार थे, जिनको जो मृत हो चुके थे, जिसमें एक छोटी बच्ची, एक महिला व 4 अन्य लोग हैं। इसके अलावा चालक को तत्काल गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया था, उसे अस्पताल भिजवाया गया, उसका इलाज फिलहाल जारी है और तेज रफ्तार और शराब का सेवन इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। तो चालक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी मृत्यु की दुखद खबर है और बाकी उसे अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हादसे जुड़ी हम आपको दिखा रहे थे। शुक्रिया आपका इस जानकारी का। और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग स्कॉर्पियो में सवार थे। बूढ़ा बगीचा में मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई है। तो डबरी यानी एक छोटा सा जो तालाब होता है उसे डबरी कहा जाता है, इसमें एक स्कॉर्पियो जा घुसी और इसमें 7 लोग सवार थे। 6 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। बूढ़ा बगीचा में जो मेन रोड है इसके पास ये हादसा हुआ है। बलरामपुर की ये खबर है। सड़क किनारे डबरी जो था वहां पर स्कॉर्पियो जा घुसा। हमारे सहयोगी अरुण अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अरुण, बताएं क्या अपडेट है इस पूरे विषय पर और कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, ये जो पूरा घटना है, ये जो स्कॉर्पियो वाहन है वो कुसमी से अंबिकापुर की तरफ जा रही थी और लरिमा की ये जो सारे लोग हैं वो रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसमें 4 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्ची हैं। चालक को मिलाकर कुल 7 लोग इस गाड़ी में सवार थे और बूढ़ा बगीचा के पास मुख्य मार्ग के ठीक बगल में ये हादसा हुआ है। और जो स्कॉर्पियो वाहन था पूरी तरह से पानी में समा गई थी। किसी तरह से कड़ी मशक्कत करने के बाद जेसीबी वाहन की मदद से उस गाड़ी को बाहर निकाला गया। उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसमें से किसी तरह बाहर निकालकर फिलहाल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबिकापुर में राजपुर में लाया गया है और उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। जांच जारी है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वाहन जो है काफी तेज रफ्तार में थी और रॉन्ग साइड में जाकर यह गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चालक किसी तरह बाहर निकल गया और चालक को ज्यादा चोट नहीं लगी है, उसका भी इलाज जारी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि चालक पूरी तरह से नशे में धुत था, तो तेज रफ्तार और नशे के कारण ये पूरा हादसा होना माना जा रहा है। उनके अलावा भी बाकी लोग भी नशे में थे, ऐसी सूचना मिली है क्या? बाकी लोग के बारे में तो अभी नशे में थे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि सभी की मौत हो गई है। क्योंकि गाड़ी लगभग 1 घंटे तक उस डबरी नुमा जो तालाब था, पानी था उसमें भरा हुआ था, तो गाड़ी लगभग 1 घंटे तक पलटी हुई थी, जिससे अंदर काफी गैस भर गया था, पानी भी भर गया था। और गाड़ी चूंकि सेंसर वाला वाहन था इसलिए पूरा वाहन लॉक हो गया था, उसे खोलना भी काफी मुश्किल हुआ था, इसलिए उसमें से किसी को भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह जेसीबी वाहन की मदद से उस वाहन को बाहर निकाला गया, तो पुलिस को एक उम्मीद थी कि शायद कोई बच जाए, लेकिन जैसे ही गाड़ी बाहर चली गई, एक के बाद एक सारी डेड बॉडी नीचे गिरती चली गई और यह देखा गया कि सभी लोग की मौत हो चुकी थी। 4 पुरुष। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।